दोस्तों, शाहरुख खान की 21 दिनों की कमाई को देखने के बाद मनोज देसाई कहते हैं कि शाहरुख खान से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं हो सकता। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान ने इतिहास का वो रिकॉर्ड बना दिया है जिसके आसपास भी कोई नहीं जा सकता। अगर हम शुरुआत के 21 दिनों के इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 580 करोड़ रुपए कमाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वहीं आज की अगर हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो यह मूवी पूरी दुनिया से 1035 करोड़ रुपए कमाकर एक इतना बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है जिसके आसपास आना किसी के बस की बात नहीं होगी। और वहीं इस मूवी को ओवरसीज में भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। डायरेक्टर एटली कुमार ने जो शाहरुख खान के साथ मिलकर तबाही मचाई है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। वहीं जवान फिल्म कोई आम फिल्म नहीं है बल्कि ये एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने वाली मूवी है जिसने हर किसी को रुला दिया है। 21 दिन गुजरने के बाद भी आज ये फिल्म अच्छा बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमा रही है। वहीं शाहरुख खान के फ्रेंड्स भी इस मूवी को जमकर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान ने वो करके दिखाया है जो कि आज से पहले किसी बॉलीवुड एक्टर ने नहीं किया था। यानी कि शाहरुख खान बॉलीवुड के पहले ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि एक साल में दो बड़ी मूवी देकर बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए हैं। यानी कि एक साल में 1000 करोड़ की मूवी देना किसी के बस की बात नहीं होती। विक्रम राठौड़ ने हर किसी को दीवाना बना दिया है और इस मूवी में जो विक्रम राठौड़ के मैसेज है वो हर किसी को पसंद आ रहे हैं। इस मूवी का हर एक सीन काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। वहीं कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स भी हैं जिसको देखने के बाद आंखें भर आती है और कुछ ऐसे सामाजिक संदेश भी है जिसको सुनने के बाद रूह तक हिल जाती है। दोस्तों, आपने शाहरुख खान की फिल्म जवान को कितनी बार देखा है कमेंट में लाजमी लिखना। और आपको जवान फिल्म कैसी लगी और शाहरुख खान को क्या जवान 2 बनानी चाहिए ये भी कमेंट में लाजमी लिखना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो FFU को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।